एनपीआर एनआरसी के खिलाफ प्रतिरोध सभा का आयोजन हो रहा है और इसमें जामिया से आए हैं जाकिर और चंदा, हम इनसे बात कर रहे हैं, ये उस दिन वहाँ मौजूद भी थे। क्या क्या स्थिति थी और सीए एनआरसी का किस तरह विरोध कर रहे हैं? जी, जो जामिया में हमारे साथ 13 और 15 को जो पुलिस की ब्रुटैलिटी हुई है वो बेसिकली हमारे विरोध से शुरू हुई। जो हमने सीए के विरोध में हमने पार्लियामेंट मार्च का एक आह्वान किया था लोगों से, तो हम पार्लियामेंट मार्च जब जा रहे थे तो हमारे ऊपर पुलिस ब्रुटैलिटी हुई थी। बाकी जो सीए और एनपीआर और एनआरसी तीनों का जो मुद्दा है उसमें जामिया और जामिया के जो स्टूडेंट्स हैं उसके साथ शाहीन बाग और जो देश की आवाम है उसकी मांग सिर्फ एक ही है कि हम सीए एनपीआर एनआरसी जब तक इसको वापस नहीं ले लिया जाएगा तब तक हम इसी तरह सड़कों पर लड़ते रहेंगे और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। मेरा यही कहना है कि हम जब 13 और 15 को जब पुलिस ने ब्रुटैलिटी की थी जामिया में, हम शांतिपूर्वक अपना मार्च कर रहे थे जामिया में, लेकिन पुलिस आती है और हमें जो है कि लाठी से मारती है, हमारे लाइब्रेरी में घुस के मारती है। जो हम संविधान बचाने के लिए अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी पुलिस आई और हमारे साथ जो है कि हमारे साथियों को पुलिस डंडे से मारती है, लाइब्रेरी में घुस के बच्चों को मारती है। सीएनआरसी पर क्या कहना है? देखिए, सीएनआरसी पे तो यही कहना है कि ये जो मोदी गवर्नमेंट है इस देश को जो है कि पूरा हिंदुत्व राष्ट्र बनाना चाहता है, इस देश से मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, पिछड़े वर्ग को जो है कि बाहर निकालने की बात करता है। तो ये लड़ाई सिर्फ एक कम्युनिटी की नहीं है, ये लड़ाई जो है कि सबकी है, दलितों की है, महिलाओं की है, आदिवासियों की है, पिछड़े वर्ग की लड़ाई है। और ये एनआरसी ला के 40 साल का बेरोजगारी ने भारत में रिकॉर्ड तोड़ा है। ये जो है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो है कि एनआरसी की बात करते हैं, असम में 3 करोड़ की आबादी में जो है वहाँ के लोगों पे 160 करोड़ रुपये खर्चा किए हैं, तो पूरे भारत में 130 करोड़ की जो जनता है, तो आप बताइए इसमें कितना खर्चा आएगा? ये एक तो खर्चा की बात है, दूसरा ये है कि ये जो कानून है ये कहीं ना कहीं देश को अलग कर रहा है। जामिया के जाकिर और चंदा की जुबानी हमने जामिया का भी सुना और सीए और एनआरसी के खिलाफ भी इनका क्या मत है वो भी सबके सामने है। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।